हायत होटल में पिस्टल लहराने वाले आशीष पांडे को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने एक दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। आशीष बोला, सिर्फ एक पक्ष की बात सुनी गई, मैं कोई आतंकी नहीं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद सबरीमाला मंदिर में प्रवेश नहीं कर पा रही महिलाएं। मंदिर जा रही न्यूयॉर्क टाइम्स की पत्रकार सुहासिनी राज बीच रास्ते से वापस लौटी। पुलिस बोली, हम सुरक्षा देने के लिए तैयार। ऑल केरला ब्राह्मण्स एसोसिएशन ने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका की अर्जी दी। सबरीमाला बचाव समिति ने 24 घंटे की हड़ताल बुलाई। केरल में सरकारी बसों की सेवाएं ठप, पंपा समेत 4 शहरों में धारा 144 लागू। यौन शोषण के आरोपों में घिरे केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री MJ अकबर का इस्तीफा मंजूर। मानहानि केस में अगली सुनवाई 31 अक्टूबर को। MJ अकबर बयान दर्ज करवाएंगे। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर गंभीर। दिल्ली सरकार ने पराली जलाने वाले किसानों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। RSS के स्थापना दिवस पर मोहन भागवत ने फिर छेड़ा राम मंदिर का मुद्दा, कहा केंद्र सरकार कानून बनाए। 50 करोड़ लोगों के मोबाइल नंबर बंद करने की मीडिया रिपोर्ट पर UIDAI ने कहा, आधार से जारी हुए मोबाइल नंबर बंद नहीं होंगे। और उड़ीसा में तितली तूफान से मरने वालों की संख्या बढ़कर 57 पहुंची। तितली तूफान से मरने वालों के परिवार वालों को 10-10 लाख रुपए मिलेंगे। अब तक 2200 करोड़ का नुकसान हुआ।